बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है फूल देश की यात्रा। और ये कहानी आप ही के जैसे एक छोटी सी बच्चे की है जिसका नाम था रंजू। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज फिर वही हुआ। 6 वर्ष की नन्ही रंजू चुपचाप मम्मी की आंख बचाकर बाग में निकल गई। फिर उसने मन भर कर खूब फूल तोड़े, गुलाब, गेंदा, चमेली, हार सिंगार, बेला, ढेर सारे फूलों से उसने अपनी टोकरी भर ली। तब रंजू दबे पैरों अपने कमरे में चली गई। टोकरी जमीन पर रख कर वो भी फर्श पर बैठ गई। सुई धागा लेकर हार सिंगार के फूलों की 2 मालाएं बनाई, एक गुड़िया को पहनाई और दूसरी गुड्डे को। गेंदे के फूलों को तोड़ तोड़ कर उनकी पत्तियों से उनका सिंहासन सजाया। गुलाब की नन्ही कली गुड्डे के कोट में लगाई। चमेली की छोटी सी कली गुड़िया के जूड़े में सजाई। अभी रंजू की सज्जा वह चल ही रही थी कि मम्मी आ गईं। वह हड़बड़ा उठी। रंजू को लगा कि उसकी मम्मी तो पूरी ही जासूस है। मम्मी की निगाह जमीन पर पड़े फूलों पर गई। उसे देखते ही उन्हें गुस्सा आ गया और वह बोली, देखो रंजू, तुम्हें 1,00,000 बार समझाया है कि फूल ना तोड़ा करो, पर तुम सुनती ही नहीं। तुम हमारी बात न मानोगी तो हम भी तुमसे नहीं बोलेंगे, हमारी तुम्हारी कुट्टी। अब रंजू क्या करे? रंजू जानती थी कि मम्मी को फूल तोड़ना बहुत बुरा लगता है। वो कभी अपने जूड़े में भी फूल तोड़कर नहीं लगाती। रंजू से भी यही कहती हैं कि जो फूल अपने आप टूट कर गिरे उन्हें ही उठाओ। फूल तो पौधों पर ही सुंदर लगते हैं, पर रंजू की तो गलत आदत पड़ गई थी कि जैसे ही वो खिलते हुए फूलों को देखती उसका हाथ उन्हें तोड़ने के लिए बढ़ जाता। वह बार बार सोचती कि मम्मी की बात मानेगी पर कभी फूल नहीं तोड़ेगी, परंतु उन्हें देखते ही सब कुछ भूल जाती थी। मम्मी चली गई। रंजू ने फूलों के उस ढेर से अपने गुड्डे गुड़िया को खूब सजाया। उनको देख देख कर वो खूब खुश हुई, पर मम्मी ने उससे बात तक नहीं की। रंजू की आदत है मम्मी से कहानी सुनते सुनते सोने की। उसने मम्मी से कहानी सुनने को कहा तो उन्होंने करवट बदल ली। वह चुपचाप उतरकर दूसरी ओर से जाकर मम्मी से लिपटते हुए बोली, मम्मी कहानी सुनाओ ना, पर उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। वह यह कहकर कमरे से चली गई, हम फूल तोड़ने वाले गंदे बच्चों से बात नहीं करते। रंजू को रोना आ गया। रोते रोते उसकी आंखें लग गई। कुछ समय बाद उसने पाया कि एक सुंदर सी परी उसके सिरहाने पर बैठी है। उसके वस्त्र सोने चांदी से बने हैं। परी ने रंजू से प्यार से कहा, क्या तुम फूलों के देश में चलोगी? रंजू फौरन बोल पड़ी, हाँ हाँ चलूंगी। परी ने रंजू की उंगली पकड़ी और आकाश में उड़ चली। उसे समझा दिया कि उंगली कस कर पकड़े। रंजू ने मजबूती से उंगली पकड़ ली। वे रूई से सफेद गुदगुदे बादलों को पार करते आगे बढ़ी। इंद्रधनुष के भव्य द्वार के उस पार फूलों के राजा का महल था। जल्दी ही दोनों वहां तक पहुंच गए। उस महल को देखकर रंजू दंग रह गई। ऐसा लग रहा था मानो फूलों से महकता ताज महल बनाया गया हो। चमेली के फूलों से बने द्वार पर अनेक लाल लाल गुड़हल प्रहरी खड़े हुए थे।
परी ने उनसे अंदर घुसने की अनुमति मांगी। अंदर घुसने पर रंजू ने देखा कि महल की सारी दीवारें सूरजमुखी के फूलों से बनी थी, छतें गेंदे से बनाई गई थी। बहुत से कमरों को दिखाने के बाद परी रंजू को राजा रानी के दर्शन कराने ले गई। रास्ते में पड़ा 2-3 मील का लंबा मैदान। इसमें दोनों ओर कतारों में आम, संतरा आदि फलों के वृक्ष खड़े थे। रंजू के मुंह में उन्हें देखकर पानी भर आया। परी ने जमीन पर पड़ा एक सुर्ख लाल सेब उसे पकड़ा दिया। वह उसे कुतरती कुतरती आगे बढ़ी। एक बड़े से कमरे के द्वार पर परी रुक गई। द्वार पर खड़े प्रहरी ने उन्हें आदर से अंदर ले गए। सामने ही बेला और लिली से बने दो भव्य सिंहासन थे। उन पर राजा कमल और महारानी गुलाब विराजमान थे। सहसा ही राजा रानी की अंगरक्षिका जूही सामने आई और डांट कर बोली, रंजू बोलो, तुम क्यों फूल तोड़ती हो? राजा रानी का ध्यान भी अचानक उसकी ओर चला गया। न्याय मंत्री हार सिंगार ने आगे बढ़कर निवेदन किया, महाराज इस लड़की ने फूलों को तोड़ने की गंदी आदत है। ये अकारण ही हम सबको तंग किया करती है, इसे दंड दिया जाए। महाराज को भी सारी बातें याद आ गईं। उन्होंने आदेश दिया, जब तक यह लड़की वादा ना करे कि आगे से कभी फूल नहीं तोड़ेगी, उसे हमारे महल के तालाब में डूबा रहना दिया जाए। यह आदेश सुनकर रंजू भयभीत हो उठी। वह तुरंत महाराज के पैरों पर गिर पड़ी और आगे से कभी फूल न तोड़ने का वचन दे दिया। पर रानी गुलाब अभी शांत नहीं हुई थी। उनके आदेश से अंगरक्षक उसे घसीटते हुए बाहर ले गए और फिर वहां से क्या किया, उसे धक्का दे दिया। चोट लगने से रंजू चीख पड़ी। वह उठकर बैठी तो पाया कि पलंग की बजाय जमीन पर पड़ी है। सूरज की सुंदर किरणों से कमरा चमक रहा था और उसका छोटा भाई अपने खिलौनों से खेल रहा था। रंजू की आंखों के आगे काफी देर तक फूलों का महल ही तैरता रहा और वो सारी बातें याद करती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो सपना था या सच। आपको क्या लगता है? पर जो भी हो, अब उसने फूल तोड़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब मम्मी भी उससे नाराज नहीं होती हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको, मुझे ज़रूर बताना।